आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज की शुरुआत की गई थी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को समझने की कोशिश की। हम लोगों ने देखा कि कांगड़ा के इतिहास को समझने में कौन कौन से सोर्सेज की सहायता ली जाती है, किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ साथ काफ़ी लिटरेरी सोर्सेज भी हम लोगों को कांगड़ा के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। तो अंतिम वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से त्रिगारता की स्थापना भूमिचंद के द्वारा की गई। त्रिगारता जिसका कांगड़ा हिस्सा हुआ करता था, उसके जो अगले महत्वपूर्ण राजा हैं उनका नाम था सुशर्माचंद, जो त्रिगारता के 234वें नंबर के राजा हुआ करते थे। सुशर्माचंद का जिक्र महाभारत में किया गया, जहां पे कहानी सुशर्माचंद से रिलेटेड काफी प्रचलित है कि किस तरह से सुशर्माचंद के द्वारा मत्स्य देश के राजा विराट के ऊपर अटैक किया गया और जब वो विराट के ऊपर अटैक करते हैं तो वहां पे पांडवों के द्वारा सुशर्माचंद को हराया जाता है। वहां पे स्पेसिफिकली भीम का नाम लिखा गया है कि कैसे भीम द्वंद्व युद्ध में सुशर्माचंद को डिफीट करते हैं, सुशर्माचंद को हराते हैं। इस तरह से महाभारत की कहानी में ही सुशर्माचंद का जिक्र एक और जगह पे किया गया कि जब महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था, उस दिन अर्जुन के द्वारा जो है वो सुशर्माचंद को मार दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं, हम लोग ये भी देखते हैं कि जब सुशर्माचंद महाभारत के युद्ध में पराजित होने के बाद प्लेन वाले एरियाज को छोड़ के पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पे वो स्थापना करते हैं नगरकोट के किले की। ये वही किला है जो आजकल आप लोगों को कांगड़ा के किला के नाम से देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगले राजा जिनका जिक्र किया गया, जब मौर्यन एम्पायर यहाँ पे रूल कर रहा था, मौर्यन एम्पायर के अलग अलग महत्वपूर्ण राजा रहे जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद अशोका महत्वपूर्ण है। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय त्रिगारता के राजा हुआ करते थे उदयभानचंद अशोका की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, वो मना करते हैं मौर्यन एम्पायर का हिस्सा बनने से। उसी समय अशोका के द्वारा उदयभानचंद के ऊपर अटैक किया जाता है, उदयभानचंद को हराया जाता है और इस तरह से जो कांगड़ा है वो मौर्यन एम्पायर का भी हिस्सा बनता है। यही कारण है जो कांगड़ा का इतिहास है वो बहुत प्राचीन है और बहुत बड़े बड़े किंगडम्स के साथ हम लोग कांगड़ा के इतिहास को एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं। और ये जो कहानी है अशोका की और उदयभान की, ये इसी का ही एक प्रमाण है। तो अब देखिए, जैसे हम लोग कांगड़ा के प्राचीनतम इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक राजा और दूसरे राजा के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे सुशर्माचंद 1200 BC के आसपास जो है वो राजा रहे। इसके बाद जब हमने परमानंद चंद की बात की तो ये 3rd-4th century BC के आसपास के राजा हैं। जब हमने उदयभानचंद की बात की तो ये उससे 100 साल के बाद के राजा हैं। और जिस राजा के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तब राजा रहे जब हमारे यहाँ पे हर्षवर्धन का कंट्रोल था, यानी कि आप लोग इसको 7th century AD के साथ, यानी कि उदयभान के कम से कम 600-700 साल के बाद रिलेट कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा गैप इसलिए है क्योंकि हम लोगों को पहाड़ी क्षेत्र के जो राजा हैं उनके इतिहास के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पर प्राचीनतम यानी कि एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ तो अगले राजा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनका जिक्र ह्यून सांग के द्वारा भी किया गया। ह्यून सांग एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो चाइना से हिंदुस्तान आए थे और ये बुद्धिज्म को स्टडी करना चाहते थे। जब ह्यून सांग यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक बड़े राजा राज कर रहे थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। और ह्यून सांग जो है वो अपनी राइटिंग में लिखते हैं कि वो जब त्रिगारता के पास से गुजरते हैं तो त्रिगारता में किंग उतीतो जो हैं वो रूल कर रहे थे। अब हम सब लोगों के लिए सुनना बड़ा हैरानी का है कि इस तरह का नाम जो है वो हम लोगों को हिमाचल या हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो जब बाद में हचिंसन और वोगल के द्वारा ये रिसर्च की गई कि जो ह्यून सांग हैं ये उतीतो किसको कहते हैं, तब उन्होंने पाया कि उस समय त्रिगारता के ऊपर आदमचंद रूल कर रहे थे, तो शायद जो ह्यून सांग हैं वो आदमचंद को किंग उतीतो कह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ह्यून सांग की राइटिंग में भी जो कांगड़ा है उसके इतिहास का जिक्र होते हुए देखते हैं। और साथ में ये भी माना जाता है कि उस समय ये जो कांगड़ा का एरिया था ये हर्षवर्धन के इनडायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था। आदमचंद के बाद अगले कांगड़ा के महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था जगदीशचंद। जगदीशचंद की कहानी को समझने से पहले आप सब लोगों को महमूद ऑफ गजनबी की कहानी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने कांगड़ा के किला के ऊपर किसी का नियंत्रण देखा तो वो सारे के सारे लोग यहीं के थे, यानी कि इसी धरती के ऊपर उनका जन्म हुआ था। लेकिन महमूद ऑफ गजनबी पहला ऐसा इन्वेडर था, पहला ऐसा रूलर था जिसने कांगड़ा के यानी कि नगरकोट के किले के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया।
अगर मैं महमूद ऑफ गजनवी की बात करूं तो आज का जो अफगानिस्तान है वहां पे एक गजनविद किंगडम हुआ करता था, ये उसका एक राजा था। ये इंडिया के ऊपर बार बार अटैक किया करता था क्योंकि इसका जो अटैक करने का मेन मकसद था वो था हमारे यहाँ पे मौजूद धन और दौलत को लूटना। हिंदुस्तान के ऊपर इसने 17 बार अटैक किया। जब ये 1008-1009 ईस्वी में अनंतपाल को हराता है उसके बाद ये नगरकोट के किले के ऊपर भी अटैक करता है और उसी समय जो नगरकोट का किला है वो महमूद ऑफ गजनवी के कंट्रोल में चला जाता है। जब महमूद ऑफ गजनवी का जो अटैक है उसको एक्सप्लेन करते हुए फरिश्ता जो नगरकोट को भीमकोट भी कहता है वो ये बताता है कि किस तरह से जो नगरकोट का किला है वहाँ पे 7 लाख दिनार 100 मण गोल्ड और सिल्वर की प्लेटें, मण शायद आपको पता ही होगा, एक मण जो है वो आपका 40 kg के इक्वल होता है, उसके साथ साथ 200 मण के प्योर गोल्ड, 2000 मण का सिल्वर और उसके साथ साथ 20 मण के बाकी हीरे जवाहरात जो हैं वो महमूद ऑफ गजनवी के द्वारा यहाँ से लूटे गए। और महमूद ऑफ गजनवी ने देखा कि जो कांगड़ा का किला है ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही कारण है, वैसे ये आता था और वापस चला जाता था लेकिन जब ये कांगड़ा के किला को जीतता है तो यहाँ पर ये अपनी एक सेना की टुकड़ी को बिठा देता है और उसकी जो सेना की टुकड़ी है उसका लीडर रहता है मदूद। मदूद महमूद ऑफ गजनवी का ग्रैंडसन था। लेकिन उसी समय जब महमूद ऑफ गजनवी वापिस चला जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये जो दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे तोमर राजाओं का कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है। उसी समय महिपाल तोमर नाम के एक राजा थे जो 1041-42 में धीरे धीरे जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनको धीरे धीरे पंजाब के आसपास वाले जो एरियाज हैं उनमें हराना शुरू करते हैं। और उसी समय जो नगरकोट का किला जो मुस्लिम रूलर्स के पास हुआ करता था, महमूद ऑफ गजनवी के सक्सेसर्स के पास हुआ करता था, ये उसको भी उनके हाथ से छुड़ाते हैं। और उसके बाद अगले 10 सालों तक यानी कि 1051-52 तक ये जो कांगड़ा का किला है ये तोमर जो रूलर्स थे उनके पास रहता है। लेकिन उसी समय अब्दुल रशीद के पास सत्ता आती है गजनवीद की। अब्दुल रशीद जो है वो महमूद ऑफ गजनवी का बेटा था। अब्दुल रशीद अपने जो नगरकोट का किला है उसको फिर से वापस जीतता है और वहाँ पे हस्तगिन को अगला वहाँ का गवर्नर बनाता है। तो इस तरह से 10 साल के बाद तोमर जो रूलर्स थे उनसे कांगड़े का किला वापस मुस्लिम इन्वेडर्स के पास चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो कटोच रूलर्स थे 1060 में दो भाई थे, एक का नाम था पूरब चंद दूसरे का नाम था पदमचंद, वो दोनों भाई मिलके कांगड़े के किलों को जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनसे छुड़ाते हैं। और उसके बाद काफ़ी समय तक हम लोग देखते हैं कि फिर से जो कांगड़े का किला है वहाँ पे कटोच रूलर्स का जो कंट्रोल है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था जयचंद्र। जयचंद्र की अगर मैं बात करूं तो वंशावली में तो जयचंद्र के बारे में नहीं लिखा गया है लेकिन बैजनाथ में जब स्टोन इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को देखने को मिलती हैं वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस उस समय का जो बैजनाथ का राणा हुआ करता था जिसका नाम लक्ष्मण चंद था उसके द्वारा उनको इंस्क्राइब किया गया था, यानी कि उसके द्वारा वहाँ पे कुछ शब्द लिखाए गए थे। उन्हीं शब्दों में ये जिक्र किया जाता है कि बैजनाथ का जो राणा है उसका नाम है लक्ष्मी या लक्ष्मण चंद्र और जो कांगड़ा का राजा है उसका नाम है जयचंद्र। तो जयचंद्र के बारे में जो हमारे यहाँ पे बैजनाथ का शिवा टेम्पल है वहाँ पे जो मिले स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ से हमें जयचंद्र के बारे में या जयचंद्र के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जयचंद्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो हम लोगों के पास नहीं है। जयचंद के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा जिनके बारे में हम सब लोगों को पता होना चाहिए उनका नाम था पृथ्वीचंद। अगर मैं पृथ्वीचंद की बात करूं तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। तो जैसा कि कुछ समय पहले हम लोगों ने महमूद ऑफ गजनवी के बारे में डिस्कस किया तो शायद आप लोगों को पता होगा कि जो मुस्लिम इन्वेजन्स हैं उनकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम से हो चुकी थी जिसने 712 ईस्वी में हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल इन्वेजन्स हम लोगों को जो सेंट्रल और मिडल ईस्ट एशिया है वहाँ से हमारे देश के ऊपर होते हुए देखने को मिलते थे। तो इन्हीं इन्वेजन्स की शुरुआत में जो मेन मकसद था वो तो ये था कि किस तरीके से वो यहाँ पे लूटपाट मचा सकें, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं इन्वेडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पे रह के अपनी राजसत्ता को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे राजसत्ता का जो सबसे पहला मुस्लिम रूल हम लोगों को एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है वो है इन द फॉर्म ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया जिनमें सबसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी,
चौथी डायनेस्टी थी सईद डायनेस्टी और पांचवीं और अंतिम डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। क्लियर। तो इस तरीके से पांच अलग अलग परिवारों के द्वारा दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया गया। और बाद में 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, जहां पे बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया, तो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और उसके बाद मुगल रूल की एस्टेब्लिशमेंट हुई। मुगल रूल 1526 से लेके 1857 तक चलता रहा। हालांकि औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हुई, उसके बाद जो मुगल रूल था वो धीरे धीरे हम लोगों को हमारे यहाँ पे कमजोर होता हुआ देखने को मिला और मुगलों को यहाँ पे रिप्लेस किया किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मुस्लिम रूल हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। ये रूल के बारे में समझना आप लोगों को इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी दिल्ली पे बैठेगा या जो भी इंडिया के मैक्सिमम पोर्शन के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगा, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो हमारे यहाँ पे जो मौजूद रियासतें थी जिनमें कांगड़ा प्रमुख था, उसके साथ भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यही कारण था कि जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत देखते हैं तो वहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी या खिलजी डायनेस्टी हुआ करती थी, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हिंदुस्तान या हिमाचल के ऊपर नहीं था। उनका जो मेन था वो था कि किस तरीके से जो प्लेन एरियाज हैं उनको वो अपने कंट्रोल में ले। लेकिन जैसे ही तुगलक डायनेस्टी का रूल हिंदुस्तान के ऊपर या दिल्ली सल्तनत के ऊपर एस्टेब्लिश होता है, वहां पे हम लोग जो तुगलक हैं उनका और जो कांगड़ा के राजा हैं उनके बीच का रिलेशन देखते हैं। तो जो पृथ्वीचंद, जिस राजा की अब हम बात करने जा रहे हैं, ये तुगलक के कंटेम्पररी थे। स्पेसिफिकली ये मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्पररी थे। तो हम लोगों को दो अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। कई जगह पे कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो कभी भी कांगड़ा के ऊपर अटैक करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनके द्वारा कभी भी कांगड़ा के किला के ऊपर अटैक नहीं किया गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने कांगड़ा की कुछ टेरिटरी को, और कुछ जगहों पे भी लिखा गया है कि कांगड़ा का जो किला है उसको अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे हिस्ट्री लिखी गई है वहाँ पे इस चीज़ को सही नहीं माना गया है। तो ये थे पृथ्वीचंद। तो अगले राजा पृथ्वीचंद के बाद जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कांगड़ा के इतिहास में, उनका नाम है रूपचंद। अगर हम लोग रूपचंद को समझना चाहते हैं तो हम लोगों को तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले धर्मचंद नाटक के बारे में, दूसरा तारीख ए फिरोजशाही के बारे में, और तीसरा इनकी एक युद्ध हुआ कश्मीर के राजा शहाबुद्दीन के साथ उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा धर्मचंद नाटक की। धर्मचंद नाटक लिखा गया 1562 ईस्वी के आसपास। धर्मचंद नाटक जब रूपचंद के सक्सेसर्स धर्मचंद रूल किया कर रहे थे उसी समय पे मानिकचंद के द्वारा लिखा गया। धर्मचंद नाटक में रूपचंद का भी जिक्र किया गया और धर्मचंद नाटक में जो रूपचंद के ऊपर कुछ लाइनें लिखी गई हैं वो लाइनें इस प्रकार हैं। रूपचंद्र बरकार चारो दिलेश्वर, सुरतन बहुत हेट कर पग पारो पित हाथ लई सन। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि जो रूपचंद है वो उस समय पे जो दिल्ली का सरदार हुआ करता था, दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उससे मिलने जाता है और उसके सामने वो झुक के सलाम करता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो रूपचंद के कंटेम्पररी थे उस समय फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की तरह जो कांगड़ा का किला या नगरकोट का किला है उसको जीतना चाहता था। और ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक, दो अलग अलग कहानियाँ हैं, कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 1365 के आसपास जो नगरकोट का किला है उसको जीत लिया था, लेकिन काफ़ी कहानियाँ ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो कांगड़ा के किला को जीतने में सक्सेसफुल नहीं होता है। वो बाद में रूपचंद के साथ संधि करता है और वो एक फ्रेंडली विजिट जो है वो नगरकोट के किले में करता है। और जब वो नगरकोट की यात्रा पर था तो तारीख फिरोज शाही में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो ज्वालामुखी की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर उस बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, उन किताबों से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और जो ज्वालामुखी की पुस्तकालय था, ज्वालामुखी की लाइब्रेरी थी, वहां से 1300 किताबें जो वो फिरोज शाह तुगलक अपने साथ वापस दिल्ली ले जाता है और उसको वो दलील ए फिरोज शाही में ट्रांसलेट करता है अपनी वहां की भाषा पर्शियन में। तो दूसरी कहानी ये है। तीसरी कहानी रूपचंद से रिलेटेड ये है कि एक बार रूपचंद जो है वो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो आसपास के एरियाज थे वहां पे अटैक कर रहा था और वहां से जो धन दौलत है उसको लूट के वापस आ रहा था। उसी दौरान उसकी जो मुलाकात है वो होती है कश्मीर के एक राजा जिसका नाम शहाबुद्दीन हुआ करता था। दोनों के बीच में बैटल होती है और शहाबुद्दीन के द्वारा जो है वो रूपचंद को हरा दिया जाता है और जो भी सामान धन दौलत उसके द्वारा जीती गई थी रूपचंद के द्वारा वो उसको शहाबुद्दीन को देनी पड़ती है। तो इस तरह से जो रूपचंद है उससे रिलेटेड हम लोगों को तीन अलग अलग कहानियाँ इतिहास में देखने को मिलती हैं। इसके आगे जो राजा रहे कांगड़ा के उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उनका नाम था संगाराचंद। संगाराचंद का जिक्र बहुत कम जगहों के ऊपर किया गया। जब फरिश्ता संगाराचंद के बारे में लिखता है तो वो अपनी कहानी में जिक्र करता है संगाराचंद और नासिरुद्दीन के रिलेशन की। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये नासिरुद्दीन कौन है।
कुछ समय पहले हम लोग तुगलक डायनेस्टी की बात कर रहे थे, जहां पे हमने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का जिक्र किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो अपने बेटे जिसका नाम नासिरुद्दीन था उसको डिक्लेयर किया था कि ये अगला राजा बनेगा तुगलक डायनेस्टी का, लेकिन बहुत सारे लोग उसको राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। नासिरुद्दीन बहुत ज़्यादा गटसी नहीं था और यही कारण था कि वो दिल्ली से भाग जाता है पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ। ये फरिश्ता अपनी राइटिंग में लिखता है, नासिरुद्दीन सबसे पहले सिरमौर भागता है और सिरमौर के बाद जो है ये नगरकोट भागता है और नगरकोट में ये काफ़ी समय तक रहता है। तो नगरकोट का उस समय जो राजा हुआ करता था उसका नाम था संगाराचंद। अब संगाराचंद की किस्मत इसलिए अच्छी है क्योंकि जब 1390 में ये जो नासिरुद्दीन है, ये नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली का राजा बनेगा और उसके बाद कुछ समय के लिए हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली है और जो कांगड़ा है उसके रिश्ते हम लोगों को थोड़े अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। कांगड़ा के अगले महत्वपूर्ण राजा जिनका नाम था मेघचंद, मेघचंद की अगर मैं बात करूं तो ये तैमूर के कंटेम्पररी थे। अब सवाल आता है कि जो तैमूर है उसकी हमारे साथ क्या रिलेशन है, उसकी हमारे साथ क्या हिस्ट्री है। तैमूर की अगर मैं बात करूंगा तो तैमूर जो है वो एक फॉरेन इन्वेडर के रूप में उसको कंसीडर किया जाता है। जब हमारे यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी तो उसी समय तो जो तैमूर लंग है वो यहाँ पे अटैक करता है दिल्ली के ऊपर और तुगलक डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तैमूर लंग के जाने के बाद यहाँ पे नई डायनेस्टी जिसका नाम सैयद डायनेस्टी और जो दिल्ली सल्तनत की सबसे कमज़ोर डायनेस्टीज में से एक है उसकी फाउंडेशन, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो तैमूर जब यहाँ पे अटैक करता है तो उस समय काफ़ी पहाड़ी राजाओं, पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर भी तैमूर के द्वारा अटैक किया जाता है। वो नूरपुर के ऊपर अटैक करता है लेकिन वो कांगड़ा के ऊपर, नगरकोट के ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। तैमूर लंग हालांकि ये लिखता ज़रूर है कि उसका मन बहुत था नगरकोट के ऊपर अटैक करने का, लेकिन उसको किसी कारणवश जो है वो बाहर जाना पड़ता है। तो उस समय ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जब तैमूर का इन्वेजन हमारे देश में हुआ तो उस समय जो कांगड़ा के राजा थे उनका नाम था मेघचंद। तो अगले राजा जिनके बारे में अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये वैसे तो कांगड़ा के राजा थे लेकिन इनके द्वारा एक नई रियासत जिसका नाम गुलेर था उसकी स्थापना की गई। इनका नाम था हरिचंद वन। अब कहानी यहाँ पे है कि किस तरीके से इनके द्वारा जो वो गुलेर की स्थापना की गई, तो इसके पीछे की कहानी जो है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, राजा अपने लोगों के साथ शिकार करने जा रहा था तो उसी समय शिकार करते करते एक बहुत बड़ा खड्डा था या कुआं था जो खाली था, वहाँ पे शिकार करते करते राजा गिर जाता है। राजा जैसे ही कुएं में गिरता है वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है, वो किसी की भी आवाज़ नहीं सुन सकता था। जो लोग हैं वो वहाँ पे एक दो दिन तक जो है उसको ढूंढते रहते हैं लेकिन जब राजा नहीं मिलता है तो उसके लोगों को लगता है कि राजा को शायद कोई एनिमल खा गया है, किसी ने राजा का शिकार कर लिया है। वो लोग वापस जाते हैं और राजा की जो मृत्यु सेरेमनी है उसको परफॉर्म करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हरिचंद की बीवियां थी उनके द्वारा उनको सती कर दिया जाता है और उसके बाद हरिचंद का छोटा भाई करमचंद कांगड़ा का अगला राजा बनता है। लेकिन जो हरिचंद था वो मरा नहीं था, वो जीवित था। कुछ समय के बाद जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो आवाज़ लगाना शुरू करता है और वहीं से ही एक मर्चेंट गुजर रहा था, एक व्यापारी गुजर रहा था, वो हरिचंद की आवाज़ सुनता है। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है वो उसके पास पहुँचता है और उसको उस सूखे कुएं से बाहर निकालता है। जैसे ही हरिचंद बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी बीवियों के द्वारा या उसकी बीवियां सती हो चुकी हैं और उसका छोटा भाई करमचंद कांगड़ा का अगला राजा बन चुका है। अब हरिचंद का मन वहां से जाने का नहीं करता है, वो ये निश्चय करता है कि अब जो राज सत्ता जो छोटे भाई के पास चली गई है अब वो उसको वापस नहीं मांगेगा और वो यहीं पर रह के अपने नए साम्राज्य, नए किंगडम, नए एम्पायर की स्थापना करेगा। अब हरिचंद को अगला काम है कि कहाँ पर जाके वो अपने राज्य की स्थापना करे। एक गांव था जिसका नाम हरिसर था, वहां पे वो अपने राज्य की स्थापना करता है। अब समय था कि कहाँ पे वो अपने किले का निर्माण करे, तो वो एक ऐसी जगह जहाँ पे तीन नदियाँ मिलती थी जिनमें बाणगंगा, कुराली और न्यूगल नदियाँ थी, क्लियर, इन तीन नदियों के पास जो है अपने किले का निर्माण करता है और वहीं पर ही हरिपुर जो टाउन है और एक इंडिपेंडेंट रियासत है उसकी स्थापना होती है। तो ये कहानी थी हरिचंद की, जिसने कांगड़ा का राजा तो था लेकिन उसके बाद उसने एक नई रियासत की स्थापना की। जब हम लोग कांगड़ा या के बाद जो हमारी और रियासतें हमें कांगड़ा के अंदर देखने को मिलती हैं जिनमें गुलेर है, उसके साथ साथ कुटलहर है, उसके साथ साथ नूरपुर हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर जो हरिचंद की कहानी है वो फिर से हमें देखने को मिलेगी। तो जैसा कि थोड़े समय पहले हम लोगों ने हरिचंद की कहानी देखी कि किस तरह से करमचंद जो हरिचंद के छोटे भाई थे वो कांगड़ा के अगले राजा बने। करमचंद की मृत्यु के बाद संसारचंद वन, संसारचंद प्रथम जो हैं वो कांगड़ा के राजा बने। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम कांगड़ा के इतिहास को पढ़ते हैं
तो वहाँ पे संसारचंद द्वितीय सबसे बड़े राजाओं में से एक कंसीडर किए जाते हैं, तो उनका जिक्र बाद में किया जाएगा। संसारचंद वन यानी कि संसारचंद प्रथम की जब हम बात करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोगों को हिमाचल के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद संसारचंद वन के बाद जो अगले राजा रहे वो थे सुवीरा चंद। सुवीरा चंद जब अपनी माँ की कोख में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, यही कारण था उनकी माता जी को सब कुछ छोड़ छाड़ के पूना भागना पड़ा था। ये पूना की राजकुमारी थी। जैसे ही सुवीरा चंद पैदा होते हैं तो वो अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स की मदद से सहायता से फिर से जो कांगड़ा का किला है उसको जीतते हैं और कांगड़ा का राजा बनते हैं। तो इसी तरह से आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम लोग सुवीरा चंद के ऊपर ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे उस समय की जब जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म हो चुकी होगी और जो मुग़ल एम्पायर है उसका आगमन जो है वो इतिहास में हो चुका होगा। तो हम लोग जितने भी मुग़ल रूलर थे जिसकी शुरुआत बाबर से हुई, हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इनके साथ जो कांगड़ा के रिलेशन हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो बाबर और हुमायूं हैं उसका कोई रिलेशन हमें जो कांगड़ा या नगरकोट है उसके साथ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद जो कांगड़ा के राजा जिनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जिनमें मुख्यतः धर्मचंद हैं, तो उनकी कहानी कैसी रही कांगड़ा के इतिहास में उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। होपफुली हमारा जो इनिशिएटिव है आप सब लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा और जो कमेंट सेक्शन आ रहे हैं, जो कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग है। ये हमें और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए और नए नए कदम उठाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।